बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 6 है, चैप्टर 1। और आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, आयोनाइजेशन यानी वो प्रोसेस जिसमें आयन फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट केट आयन फॉर्मेशन। जब कोई न्यूट्रल एटम, जिस तरह से आप ये बोर्ड पर देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम है, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे हम कहते हैं जी कि ये के टाइन में कन्वर्ट हो गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स आइसोलेटेड गैशियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। नाउ पॉइंट टू रिमेंबर कि ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी अगर आप कोई भी वर्ड मिस कर देते हैं। यानी हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कहाँ से? वैलेंस शेल से या आउटर मोस्ट शेल से। और क्या कंडीशन है? आइसोलेटेड गैशियस एटम, यानी एक आइसोलेटेड मीन सेपरेट, एक सिंगल एटम। और किस स्टेट में होना चाहिए? इट शुड बी इन द गैशियस फॉर्म प्लस इट शुड बी इन द ग्राउंड स्टेट। तो वो एनर्जी जो कि हमें एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में से, ग्राउंड स्टेट में, उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, उस पर प्लस वन चार्ज आ गया। अच्छा, जो पहला इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं किसी न्यूट्रल एटम से, तो उसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं कि वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 738 किलो जौल पर मोल है मैग्नीशियम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब हम मैग्नीशियम आयन में से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उस पर प्लस टू चार्ज आ जाएगा, दैट विल बी इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इज 1451 किलो जौल पर मोल। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स हैं किलो जाउल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, लेकिन हम मोस्टली जो है किलो जाउल पर मोल में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो चाहिए होगी एनर्जी उसे हम कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो सब्सिक्वेंटली इंक्रीज करती जाएगी। यू कैन से कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड वन इज ग्रेटर देन फर्स्ट। एज यू कैन सी द वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, उसकी रीजन क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल न्यूट्रल एटम में से था, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में से। सो चूंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बताया है, तो इसलिए अब पॉजिटिवली चार्ज आयन में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं और ट्रेंड क्या है हमारे पास। ट्रेंड हमारे पास ये है कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। हाउ एंड व्हाई इट डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज, विल एक्सप्लेन इट बाय डिस्कसिंग डिफरेंट फैक्टर्स। यहाँ पे एक बात आप याद रखें, आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि आपने याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, यानी के टाइन फॉर्मेशन बेसिकली एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सिंपल सी बात है कि इफ़ यू आर हैविंग समथिंग, आपके पास कोई चीज़ है, लेट्स से यू आर हैविंग अ पेन, आपकी फ्रेंड वो आपसे पेन लेना चाहती हैं एंड यू आर नॉट विलिंग टू गिव दैट पेन टू हर, सो व्हाट विल हैपन देयर? वो अगर स्नैच कर रही है तो शी शुड पुट सम एनर्जी ऑन यू टू गेन दैट पेन और समथिंग एल्स। तो मतलब इसी तरह से एटम का इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसकी पर्सनल
चीज़ है वो, तो अगर हमें वो इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करना है तो वहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक साइज, दूसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, थर्ड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, फोर्थ फैक्टर इज नेचर ऑफ ऑर्बिट या हाउ पेनिट्रेटिंग द गिवन ऑर्बिटल इज। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज को। अगेन आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, ग्रुप ट्रेंड को डिस्कस करने के लिए, और सेकेंड पीरियड टू डिस्कस ट्रेंड इन पीरियड। अब यहाँ पे अगेन आप लोगों ने बस इनकी इन द फॉर्म ऑफ शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और इन्हीं को देख के हम ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करेंगे किस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अब फर्स्ट ए में आप देखें, हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा वैलेंस शेल उतना ही दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, सो न्यूक्लियस का होल्ड वीक होता जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, सो इट विल बी इजी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। देन कम्स अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड विद इन द सेम शेल, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बिकम डोमिनेंट एंड डोमिनेंट। जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं अलोंग द पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज देखें बढ़ता जा रहा है, प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, जबकि इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम शेल ऐड हो रहे हैं। अब क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज जो है, या यू कैन से मोर न्यूक्लियर चार्ज कंसंट्रेशन विल अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गली, न्यूक्लियस होल्ड विल बी मोर इन, यू कैन से दिस एटम कार्बन, वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एज कम्पेयर टू बेरिलियम। कार्बन के अंदर वैलेंस शेल में न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा क्योंकि आपको नजर आ रहे हैं प्लस सिक्स चार्जेस, जबकि बेरिलियम के केस में देखें प्लस फोर चार्जेस। सो बेरिलियम के केस में न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू कार्बन। सो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। सो अलोंग द पीरियड चूँकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है, लेकिन उस तरह से इंक्रीज नहीं कर रहा जिस तरह से डाउन द ग्रुप कर रहा है। सो यहाँ पे अलोंग द पीरियड कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? न्यूक्लियर चार्ज का। सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड अगर स्ट्रांग होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट अगेन आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, अगर आपको सही से समझ आ गया है तो शील्डिंग इफेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ शील्ड्स बढ़ रही हैं डाउन द ग्रुप। यू कैन सी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की गई है, तो जितनी ज़्यादा शील्ड्स होंगी स्क्रीन्स होंगी न्यूक्लियस का होल्ड उतना ही वीक होता जाएगा, सो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। सो डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, जबकि अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिट की। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो एस ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के क्लोजर होता है, तो एस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू पी। पी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू डी, और अगर डी इलेक्ट्रॉन है तो उसे रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एफ के मुकाबले में। सो एस ऑर्बिटल इज मोर पेनिट्रेटिंग देन पी, पी इज मोर पेनिट्रेटिंग देन डी, डी इज मोर पेनिट्रेटिंग देन एफ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसका वैलेंसी के साथ क्या लिंक है, इसे हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी गिव अस एन आइडिया अबाउट द वैलेंसी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से हम फर्स्ट ए की बात करते हैं, यू नो दैट वैलेंसी इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। फर्स्ट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी है प्लस वन, यानी दे कैन गिव ओनली वन इलेक्ट्रॉन।
तो अगर हम सोडियम में से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें, या हम अगर कहते हैं कि सोडियम प्लस टू है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो देयर विल बी अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सोडियम. सो अगर किसी एलिमेंट की फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप आ रहा है, तो इसका मतलब है उस एलिमेंट में से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट है. मैग्नीशियम में देखें आप, मैग्नीशियम के केस में इसकी वैलेंसी 2 है, प्लस 2, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता है. इसी तरह से अगर हम एल्युमिनियम देख लें, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी और वैलेंसी के दरमियान एक कनेक्शन पाया जाता है. अब पीरियोडिक टेबल में वापस आते हैं हम. पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करें, तो हमारे पास 8th ग्रुप की सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज हैं. आप जब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे होते हैं या इनके ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, तो काइंडली पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखा करें. अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आप सबने अपना अपना पीरियोडिक टेबल खुद से ड्रॉ करना है. तो आप उस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें 8th ग्रुप, जिसे हमने नोबल गैसेस का नाम दिया था, तो 8th ग्रुप की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 8th ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट हैं, और जब उनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट हैं तो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है. इसीलिए हम इसे ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी ज़ीरो है. सो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हैं वो 8th ग्रुप के एलिमेंट्स की सबसे हायर है. उसके बाद जो है हम बात करते हैं फर्स्ट ए में आते हैं, कि अगर हम देखें कि इन अल्कली मेटल्स इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीजियम एटम देन लिथियम एटम. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि अगर हम विद इन अ ग्रुप एक टॉप एलिमेंट और एक बॉटम एलिमेंट को कंपेयर करें, तो बॉटम एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा. रीज़न क्या है? क्योंकि बॉटम एलिमेंट का साइज बड़ा है. सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड. सो दैट्स ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी. नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? पेज 6 एंड पेज 7 से आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक की रीडिंग करनी है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, प्लस एग्जांपल्स जो है वो लर्न करनी है. सो दैट्स ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी.